एंड एवरीवन वन सद स्पेट पर आप सभी लोग का स्वागत है खैर मकदम दोस्तों मैं आज आपके खिदमत में क्वेश्चन बैंक एम पी पी सी एस ए डी पी ओ एग्जाम के लिए मैं आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ दोस्तों अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ला बेलाइकन घंटे प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी एवरीवन दोस्तों मैं आज ये शुरुआत कर लूँगा मैं टोटल में जो है बासठ टेस्ट जो है बैक कराऊँगा दोस्तों खास करके एफ पी ए डी पी ओ के लिए तो मेरे साथ जो जो व्यक्ति जुड़े हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों ताकि लोगों को मुफीद हो दोस्तों मैं पहला क्वेश्चन शुरुआत करता हूँ कथन ए है और कर से सहायता से उत्तर दीजिए अब ये सवाल क्या है कि भारतीय जो भारत का जो संविधान है कि प्रस्तावना में राष्ट्र के समक्ष निर्धारित किए गए आदर्शों को सुस्पष्ट रूप से दर्शाया गया है ये बात सही है कि भारतीय की प्रस्तावना में राष्ट्र के समक्ष निर्धारित किए गए आदर्शों को सुस्पष्ट रूप से दर्शाया गया है राष्ट्र के समय निर्धारित पथ न्याय आर है वो एक करेट लगता है तो इसका सही उत्तर है सी ए सही है आर गलत है अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दिए गए जो है जो है नीचे दिए गए ऊटो को सहायता से निम्नलिखित अग्रणी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को क्रम व्यवस्थित करिए अब कौन सा क्वेश्चन है ये सेल बनाम कर्नाटक राज शासकीय परिसमापक बनाम दयानंद ए आर कुल्हू बनाम तमिलनाड पी ए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा तो दोस्तों इसका सही उत्तर का जो है हम ऑनसर जानने की कोशिश करें तो सही उत्तर जो है इसका जो है बी है कौन सा सही उत्तर है दोस्तों तो सही उत्तर इसका बी है बी में क्या है कि बी पहला कौन सा क्वेश्चन आया है ये देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है बी का फोर है यानी पी ए ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य फिर उसके बाद में आया आई आर कुल्हू बनाम तमिलनाडु राज्य फिर उसके बाद में दो आया शासकीय परिसमापक बनाम दयानंद उसके बाद सेल भी बनाम कर्नाटक राज्य तो सही उत्तर इसका जो है बी है दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं नीचे दिए गए कूट सहायता से निम्नलिखित मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय में क्रम व्यवस्थित कीजिए क्या करना है क्रम व्यवस्थित कीजिए तो ए ये जो है हमने अभी तक दिखा दिया क्वेश्चन नंबर तीन अब क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार में निम्नलिखित में से कौन सा सही है मौलिक कर्तव्य सभी व्यक्तियों के लिए क्या है मैंडेटरी है बी कहता है मौलिक कर्तव्य हमेशा से भारतीय संविधान के अंग रहे हैं हमेशा रहे नहीं है ये तो सौरसिंग समिति बयालीसवें संविधान संशोधन के बाद अमेंट हुआ है मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में एक संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं जी मौलिक कर्तव्य जो भारत के संविधान में एक संशोधन बयालीसवें संशोधन जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य ब्रिट द्वारा लागू किए जा सकते हैं तो सही उत्तर इसका कौन सा होगा दोस्तों तो सही उत्तर जो है इसका देखते हैं सही उत्तर इसका सी है मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में एक संशोधन से जोड़े गए हैं ये सही आंसर है कि क्या है मौलिक कर्तव्य भारत के एक संविधान से जोड़े गए हैं ओके दोस्तों अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर पांच क्वेश्चन नंबर पांच कहता है कि कथन ए और करता को पढ़कर के नीचे दे कोर्ट से सहायता उत्तर दीजिए तो कथन ए कोई व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए तब तक पात्र नहीं है जब तक वो भारत का एक नागरिक ने उसने पैंतीस वर्ष आयु पूरी ना कर ली हो रीजन है ए, और उसने कार्यकाल के दौरान लाभ किसी का करने से भी वर्चित किया गया हो ए दोनों सही आर ए का सही व्याख्या है ए दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या है ए सही है आ गलत है ए गलत है कि आर सही है तो इसका उत्तर जानने के लिए प्रयास करें क्या सही है दोस्तों तो मैं आप लोगों के सामने देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन सही है आप लोग कोशिश करें कि आप लोग कितना सही करते हैं तो इसका सही उत्तर है बी है ए आर दोनों सही है आर ए का सही व्याख्या नहीं है तो सही क्वेश्चन इसका बी है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं निम्नलिखित में, में, है. है, में से कौन सा युग्म भारत के संविधान के उपबंधों के संबंध में सम्मिलित है यानी क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत के संविधान के उपबंधों में संबंध है तो अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव और बी कहता अनुच्छेद तीन सौ तिरपन उद्घोषणा के प्रचलन में रहने के समय राजस्व के वितरण से संबंधित उबन लागू होना सी कहता है अनुच्छेद तीन सौ चौवन आपातकाल के दौरान संघ कार्यकारी शक्तियों का निर्धारण करना है डी का अनुच्छेद तीन सौ पचपन आक्रमण के पथ राज्य की रक्षा का कर्तव्य है तो सही उत्तर इसका क्या होगा दोस्तों तो सही उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे तो सही उत्तर है इसका डी है यानी ब्रह्म आक्रमण यो आंतरिक उपद्रोह के पत्र राज्यों की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य है तो तीन सौ पचपन में बताया गया है क्वेश्चन नंबर सेवन देखते निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संवैधानिक संशोधन के संबंध में सम्मिलित नहीं है क्वेश्चन नंबर सात कहता है निम्नलिखित में कौन सा संशोधन में सो, में के संबंध सम्मिलित नहीं है तो सातवां संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस सौतीसवां संविधानी सौ तिहत्तर बयालीसवां संविधान संशोधन उन्नीस उन्नीस सौ पचहत्तर तो सही उत्तर क्या होगा इसका दोस्तों आप लोग जानने का प्रयास करें सही उत्तर इसका क्या होगा मैं सौ आंसर करता हूँ दोस्तों तो सौ आंसर में सही उत्तर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग संवैधानिक संवैधानिक संशोधन के संबंध में सम्मिलित नहीं है तो बयाल संविधान संशोधन संबेध उन्नीस सौ पचहत्तर ये सम्मिलित नहीं है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आठ सूची फर्स्ट सूची सेकेंड में सम्मिलित कीजिए नीति नीचे दिए गए कोटों का सही प्रयोग करिए अनबिक पूर्व न्याय सिद्धांत रिक्त याचिकाओं पर लागू होते हैं पहला क्या कहता है अभियोजन का अभाव में खारिज की गई याचिकाएँ बहाल की जा सकती है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश सरकार द्वारा नहीं प्रवर्तित की जा सकती है डी कहता है एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिकाओं के एक बेंच में निपटाने के निपटारे करने के उस स्थिति में अनुमति होगा जब सभी मामले में तथ्य समान लगभग एक समान होंगे महिला शिक्षा न्याज बनाम हरियाणा राज्य तो सही उत्तर इसका क्या होगा दोस्तों इसमें केस है महिला शिक्षा न्यास बनाम हरियाणा राज्य राज एम नागभूषण बनाम कर्नाटक राज रतन सिंह बनाम राजस्थान राज पे पेरुकुट्टी बनाम मंदेश्वर बनाम बकर राज सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका तो मैं सही उत्तर देखता हूँ इसका सही उत्तर है बी यानी कि जो है बी का ठड कहता है तो बी का अभियोजन के अभाव में खारिज की गई याचिका को बहाल की जा सकती है तो, के तो किस केस में कहा गया था रतन सिंह बनाम राजस्थान के केस में कहा गया था किस केस में कहा गया था रतन सिंह बनाम राजस्थान के केस में कहा गया था ओके अब देखते हैं दूसरा क्या कहता है फोर्थ का जो है यानि बी क्या है फोर्थ का बी है और उसके बाद में देखते हैं बी का जो है फोर्थ देखते हैं पेरू पेरू कुट्टी बना मुंदेश्वर राज जो है और इसका सही उत्तर है यानी थर्ड है बी है थर्ड है फोर्थ है ठीक है एक मिनट एक मिनट एक मिनट